Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Standard Classes. So today I'm going to continue chapter 4, PMI, Principle of Mathematical Induction. And in this video, I'll be discussing all the solved examples with you. Same concept पे based हैं, एक बार revise करवा देती हूँ. PMI में अभी तक हमने सिर्फ तीन type के questions करे, और यही तीन type में से कोई एक type आपके exam में आएगा. एक तो normal वाला जो हम solve करते हैं, is equal to वाला, एक inequality वाला, और एक divisible और multiple वाला. इन सब के concepts detail में आपके साथ discuss कर चुकी हूँ, because we have already completed the exercise. अब उसी के base पे examples करेंगे, जल्दी से कर लेंगे, same है, कुछ tough नहीं है. Let's get started. Example 1. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. इज इक्वल टू वाला फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है यहाँ पे. दैट मीन्स नॉर्मल जैसे हम करते थे. तो स्टेप 1 क्या होता था, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn. तो pn को ये पूरा एज इट इज आप लेट कर लोगे. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं RHS में n को 1 पुट करूंगी, तो मुझे उसको किसकी इक्वल लाना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन के. तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 इंटू 1, क्योंकि 2 एन था ना, प्लस 1 अपॉन 6. तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 3 सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 1 3. तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6. अब देखो 3 से 6 गया 2 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा. तो दैट इज 1 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ, दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ लेट, हमारा थर्ड स्टेप क्या होता था, लेट pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जिसमें हम लेट करते थे कि अगर n की जगह मैं k लिख दूंगी पूरे क्वेश्चन में, तो जो भी मेरा आंसर है वो ट्रू रहेगा, ऐसा हमने अज्यूम करा. सो लेट pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो pk निकालेंगे, दैट मीन्स n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, k. तो क्या बन जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, k इज इक्वल टू n की जगह k, k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन 6. हमारा स्टेप 4 क्या होता था, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. और pk प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले निकालना तो पड़ेगा कि pk प्लस 1 है क्या. दैट मीन्स पूरे क्वेश्चन में इनकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, k प्लस 1. तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस वाले n की जगह k प्लस 1. अब देखो n प्लस 1 है, इस वाले n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो 1 और 1 तो क्या बन गया आपका, k प्लस 2. सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे देखो, अब 2n प्लस 1 है, इस वाले n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1, ये प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई 2k प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 3. अब इन चीजों को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो, कब तक ऐसे सॉल्व करते रहोगे, ठीक है. तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर मैं k प्लस 1 अंदर पुट करूंगी 2 को मल्टीप्लाई, तो इतना इमेजिन कर सकते हैं 2k प्लस 2 आएगा, और उसमें प्लस 1 कर रहे हैं हम लोगों को, तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 3. अब इस चीज को हमें ट्रू प्रूफ करना है. इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको एक हिडन स्टेप सिखाया था, दैट इज स्टेप 5. इससे जस्ट ठीक पहले वाली टर्म हम लोगों को निकालनी होती है. कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर तो सबके साथ है, 3 में से 1 माइनस करा 2, 2 में से 1 माइनस करा 1. तो अगर मुझे इससे जस्ट पहले वाली टर्म निकाल, तो k प्लस 1 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस माइनस करूंगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ k. आई मेरी बात समझ, और k का स्क्वायर. तो इसे जस्ट पहले वाली टर्म क्या हुई, k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब 1 से लेकर k तक की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 1 से लेकर k तक की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि ये क्या हो गया, k k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पे पुट कर दो, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1. अब इस चीज को सॉल्व करके आपको ये चीज लेके आनी है. तो मैंने दो गोल्डन रूल्स आपको बताए हुए हैं, क्या होते हैं हमारे दो गोल्डन रूल्स, एक तो कॉमन निकालना और एक एलसीएम लेना. तो सबसे पहली चीज, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा था k प्लस 1 ऊपर भी है, यहां पर भी k प्लस 1 है, तो मैंने k प्लस 1 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा, k इंटू 2 के प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इसका क्या बचा, k प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है. आप इसका आप एलसीएम ले लो 6, ये चीज एज इट इज, प्लस 6 से ये मल्टीप्लाई, ओपन कर दो, k को अंदर मल्टीप्लाई तो 2k का स्क्वायर प्लस k प्लस यहाँ पे 6 को अंदर मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 अपॉन 6, k वाले ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6. अब आप इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, क्योंकि 6 टू 12 की बात हो रही है, तो आप 12 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालोगे, क्या हो गए, 2 6 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 एक पेयर बन गया, दैट मीन्स 4 इंटू 3 में हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 4k प्लस 3k, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2k, तो अंदर क्या बचा k प्लस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3, तो अंदर क्या बचा k प्लस 2 अपॉन 6. अब आपके क्या फैक्टर्स बन गए, k प्लस 1 एक पहले से ही चल रहा था यहाँ पर,
2k plus 3 or k plus 2 upon 6. यही तो प्रूफ करना था एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप गाइज ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही है. इट्स ऑल क्लियर राइट. मूविंग ऑन टू आर एग्जाम्पल टू प्रूव दैट 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी दी हुई है. दिस मीन्स ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो जब भी हमें इनइक्वालिटी दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा पीके में पीके प्लस वन बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला स्टेप सेम रहता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन. तो ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज क्या हो गई आपकी पी एन. नाउ फॉर एन इज इक्वल टू वन, इसके अंदर वन पुट करो, टू की पावर वन ग्रेटर देन वन, टू की पावर वन टू, टू तो वन से ग्रेटर है ही, तो दिस इज ट्रू. स्टेप थ्री, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. मतलब मैं एन की जगह के पुट करूंगी तो ये चीज ट्रू है. तो पी के क्या हो गया, टू की पावर के ग्रेटर देन के फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर. ऐसा हमने मान लिया, ऐसा है. नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू. हमें ये चीज प्रूव करनी है ना, टू की पावर टू की जगह के टू की टू 2 टू दी पावर k प्लस वन ग्रेटर देन n की जगह क्या लिख दोगे k प्लस वन. और इन इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम अपने pk को उठाते थे और उसको pk प्लस वन बनाते थे. उठा लो फ्रॉम इक्वेशन वन जिसको मैंने लेट करा है, 2 टू दी पावर k ग्रेटर देन k, क्योंकि यहाँ पे 2 टू दी पावर k प्लस वन है, दैट मीन्स 2 टू दी पावर k इंटू 2 है, तभी तो प्लस वन आया. तो मैंने यहाँ पर इंटू टू करा, तो जो मैं यहाँ करूंगी वो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा. तो टू टू दी पावर के इंटू टू ग्रेटर देन के इंटू टू मल्टीप्लाई. तो ये तो बेस सेम टू पावर ऐड क्या हो गया, टू टू दी पावर के प्लस वन ग्रेटर देन टू इंटू के टू के. ठीक है, अब इसको ये प्रूफ करना है, पर हम कैसे प्रूफ करें, ध्यान से चेक करेंगे सारे बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. टू टू दी पावर के प्लस वन ग्रेटर देन टू के को मैं के प्लस के लिख सकती हूँ. अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट एग्जाम लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था एक्सरसाइज का, उसी वाला वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा. ठीक है, अब देखो 2 टू दी पावर k प्लस वन ग्रेटर है k प्लस वन से, और 2 टू दी पावर k प्लस वन ग्रेटर है k प्लस k से. और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप खुद सोचो, एक k प्लस वन है और एक k प्लस k है. ये k में कुछ मैंने ये बस एक ऐड करा और k में मैंने k ही ऐड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं k को अभी के लिए 2 ले लेती हूँ, मैंने 2 में 1 ऐड करा तो मेरा आंसर आ गया 3, और मैं 2 में 2 k ही वापस ऐड कर दूंगी तो आंसर आएगा 4. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, k प्लस k बड़ा है k प्लस 1 से. इतनी बात समझ आई, k प्लस k बड़ा है k प्लस 1 से. अब खुद अंडरस्टैंड करो ये चीज, अगर 2 टू दी पावर k प्लस 1 आपका k प्लस 1 से बड़ा है, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है. और हमने क्या अभी तक प्रूफ करा, 2 टू दी पावर k प्लस 1 k प्लस k से बड़ा है. खुद सोचो अगर 2 टू दी पावर k प्लस 1 k प्लस k से भी बड़ा है तो ऑटोमेटिकली k प्लस 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है. नहीं आ रहा समझ, कंफ्यूजन हो रही है. अच्छा एक काम करते हैं, k प्लस के को लेट कर लेते हैं 4 और k प्लस 1 को लेट कर लेते हैं 2 और 2 k प्लस 1 को लेट कर लेते हैं 1. अब देखो 1 मेरा 2 से बड़ा है, 1 मेरा 2 से बड़ा है और 1 मेरा 4 से बड़ा है. तो क्या मैं सीधा ये नहीं लिख सकती कि 1 मेरा 4 से बड़ा है, 1 ओहो 6 लो यार. देखो 6 मेरा 2 से बड़ा है, 1 कैसे ले सकती थी यार, 1 2 से और 4 से बड़ा थोड़ी ना होता है. 6 मेरा 2 से बड़ा है और 6 मेरा 4 से बड़ा है, समझो 6 2 से भी बड़ा है, 6 4 से बड़ा है. तो सीधा लिखो ना कि 6 4 से बड़ा है. वही चीज हमने यहां पर करी है कि 2 टू दी पावर k प्लस 1 आपका k प्लस 1 से बड़ा है और 2 टू दी पावर k प्लस 1 आपका k प्लस k से बड़ा है, क्योंकि आपका k प्लस k ही k प्लस 1 से बड़ा है. तो इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है, अगर 2 टू दी पावर k प्लस 1 मेरा k प्लस k से बड़ा है तो इससे तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ये इससे बड़ा है. बात समझ रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा था 2 टू दी पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस k. आप ये लिख सकते हो दिस इज ग्रेटर देन दिस एज k प्लस k इज ग्रेटर देन दिस, देयरफॉर 2 टू दी पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड. आ रही है मेरी बात समझ, ठीक है. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 3, 1 अपॉन 1 इंटू 2 डॉट पॉइंट मत समझना इंटू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन एन प्लस 1. सिंपल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, तो पी एन में ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज. फॉर एन इज इक्वल टू 1, आर एच एस में एन की जगह 1 पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन के. तो ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू एन की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1
अपॉन टू, हेंस प्रूफ ट्रू हो गया. स्टेप थ्री, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. अब आपको पी एन प्रूव करना है एन इज इक्वल टू के, मतलब हमने ऐसे माना है. दैट मीन्स पूरे क्वेश्चन में एन की जगह क्या लिख दोगे, के लिख देंगे. तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन के इंटू के इज इक्वल टू के प्लस 1. ठीक है, नाउ अब हमें प्रूफ करना है दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो कि पी के प्लस 1 की वैल्यू क्या है, मतलब एन की जगह क्या पुट करोगे, के प्लस 1. तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन इस वाले एन की जगह के प्लस 1, अंदर वाले एन की जगह के प्लस 1 और एक और प्लस 1, तो क्या हो गया के प्लस 2 इज इक्वल टू इस वाले एन की जगह के प्लस 1 अपॉन. अब देखो इस वाले एन की जगह एन प्लस 1 है, इस वाले एन की जगह के प्लस 1 पुट करोगे एक और प्लस 1, तो क्या हो गया आपका के प्लस 2. आई होप गाइस ये चीज आपको समझ आ रही है. ठीक है, अब हमारा हिडन सेट, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म चेक करो. 2 में से माइनस 1 करा 1 आया, 3 में से माइनस 1 करा 2 आया. दैट मीन्स के प्लस 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा के, और के प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा के प्लस 1 प्लस ई वाली टर्म एज इट इज. अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो कि क्या है के अपॉन के प्लस 1. तो लिख दो प्लस ई वाली टर्म एज इट इज. हमारे दो गोल्डन रूल, कॉमन निकालना और एलसीएम लेना. तो इन दोनों में आपका के प्लस 1 कॉमन आया डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमन लिया. क्या बचा यहाँ पर, के अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 2. अब क्या करोगे एलसीएम. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं यार. सो 1 अपॉन के प्लस 1 एज इट इज एलसीएम लिया, तो के इंटू के प्लस 2 प्लस 1, के को अंदर मल्टीप्लाई करो ये एज इट इज, तो के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2. ठीक है, अब आप इसको ब्रेक करो. 1 1 जा 1 कैसे ब्रेक करोगे, के प्लस के ही इसको ब्रेक कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2. इन दोनों में क्या कॉमन है के, तो अंदर क्या बचा के प्लस 1 प्लस अंदर के प्लस 1 है ही, तो यहाँ पर 1. तो आपके क्या फैक्टर बन गए के प्लस 1 एक और एक फैक्टर और एक और के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2. क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बन गया के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2. और यही तो हमको प्रूफ करना था, चेक कर लो. आई बात समझ, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 4. प्रूफ दैट 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4. डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे, डिविजिबल या मल्टीपल पी के में से वैल्यू निकाल के पी के प्लस 1 में पुट करते थे. तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज. नाउ फॉर एन इज इक्वल टू 1, मतलब एन की जगह 1 पुट करो, दैट मीन 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, तो 7 माइनस 3 4. 4 इज डिविजिबल बाय 4. ऑब्वियसली बात है, एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो ये भी चीज क्या हो गई, ट्रू प्रूव हो गई. नाउ हम क्या थर्ड स्टेप, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ऐसा मान के चलते हैं कि अगर एन की जगह के पुट कर देंगे तो वो चीज ट्रू है. तो पी के क्या आ गया, 7 के माइनस 3 के इज डिविजिबल बाय 4. अब क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था. अगर देखो ए डिविजिबल बाय 4 है, 4 इंटू समथिंग है, तभी तो ए डिविजिबल बाय 4 है. 16 डिविजिबल बाय 4 है, 4 इंटू समथिंग है, तभी तो 16 डिविजिबल बाय 4 है. क्योंकि अब हमने ये मान लिया है कि 7 के माइनस 3 के 4 से डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 7 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, क्योंकि डिविजिबल है ऐसा मान चुके हैं. इसलिए और इनटू समथिंग को मैंने क्या लेट कर लिया, एन, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता. और यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 7 के की, माइनस 3 के वहां शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया 4 एन प्लस 3 के. अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने पी के प्लस 1 में. ठीक है, ना हमें क्या प्रूव करना है, दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. पी के प्लस 1 को ट्रू करने के लिए पहले निकालो पी के प्लस 1 की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी 7 टू द पावर के प्लस 1, क्योंकि 7 टू द पावर n है, माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1. इस चीज को मुझे शो करना है कि वो 4 से डिविजिबल है. और ये चीज मैं सिर्फ तब शो कर पाऊंगी गाइस जब मैं इसको इज इक्वल टू दिखा दूं 4 इंटू समथिंग. समथिंग में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 के साथ आ रहा है ना तो मतलब ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकाली थी, 7 टू दी पावर के. इसके अंदर 7 टू दी पावर तो के कहीं है ही नहीं, पर हम निकाल सकते हैं. तो क्या मैं 7 टू दी पावर के प्लस 1 को नहीं लिख सकती 7 टू दी पावर के इंटू 7, बेस सेम पावर एड होके यही तो आ जाएगा वापस. तो इसको मैंने कैसे लिख दिया 7 टू दी पावर के इंटू 7 माइनस, और इसको भी ब्रेक कर लिया 3 टू दी पावर के इंटू 3.
ठीक है, अब 7 टू द पावर k की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सब एज इट इज। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 7 फोर सा 28m प्लस 3k इंटू 7 माइनस 3k इंटू 3। अब कुछ तो सॉल्व करना है क्योंकि 4 कॉमन लाना है, तो इन दोनों में मुझे 3 टू द पावर k कॉमन दिखा तो मैंने वो निकाल लिया। 28m एज इट इज प्लस 3 टू द पावर k कॉमन, तो अंदर क्या बचा 7 माइनस 3। अब क्या हो गया 28m प्लस 3 टू द पावर k इंटू 4। तो अब देखो 24m को आपने कैसे लिखा था, 7 इंटू 4m करा था ना आपने, तो मैंने इसको वापस ओपन कर दिया क्योंकि मुझे 4 दोनों में से कॉमन लेना था। बात को समझो, देखो 7 इंटू 4 इंटू m लिख सकते हो, 7 फोर से 28m ही तो आएगा इसका आंसर। तो वही चीज मैंने यहां पर करी, 4 इंटू m इंटू 7, क्योंकि 7 इंटू 4 इंटू m करा था तभी तो 28m आया था, समझ रहे हो। ठीक है, प्लस थ्री टू द पावर के इंटू 4 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म में 4 को क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 7m प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3 टू द पावर के, आ गया ना 4 इंटू समथिंग, इसको ये लेट कर लो, दैट मीन्स ये इसके इज इक्वल टू में यहाँ पर चल रहा था, तो 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, जिसको ए मान लिया, तो 110% दिस इज डिविजिबल बाय 4, और यही तो हमको प्रूव करना था। बात समझ रही हो मेरी, ठीक है। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। ठीक है, कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी दिख गई ना, बस अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल के के प्लस 1 में पुट करेंगे। स्टेप 1, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं, इनइक्वालिटी मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो पीएन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ओके, स्टेप 2, फॉर एन इज इक्वल टू 1, अगर हम एन को 1 लेट लेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन 1 प्लस एक्स ही आ गया, और ये भी 1 प्लस एक्स। देखो यहां पे लिखा है ग्रेटर या इक्वल, कुछ भी एक चीज आ जाए तो वो ट्रू हो जाएगा, और यहां पर दोनों इक्वल आ गए तो इट इज ट्रू। ठीक है, सो नाउ थर्ड स्टेप, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मतलब पूरे क्वेश्चन में एन की जगह के पुट कर दो तो वो चीज ट्रू मानेंगे हम, तो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम पी के उठाते हैं और उसकी वैल्यू उसको पी के प्लस 1 बनाते हैं, तो आप अभी ये भूल जाओ, यहां तक सबका हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, और पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए पहले निकालो कि पी के प्लस 1 है क्या, कैसे निकालेंगे, एन की जगह के प्लस 1 पुट करके, तो क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की जगह के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस इस वाले n की जगह k प्लस 1 इंटू एक्स। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब इसको थोड़ा ओपन कर दिया मैंने, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस एक्स, इतना समझ है। अब हमें ये चीज इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम कैसे करेंगे, आप अपना क्या उठाओगे, pk की वैल्यू उठाओगे। मैंने यहां पर अपनी pk की वैल्यू उठाई, इसको ऐसे समझो, सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी pk की वैल्यू क्या थी गाइस, 1 प्लस एक्स टू द पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ये थी हमारी वैल्यू। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1, मतलब ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स टू द पावर k को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 प्लस एक्स से, तभी तो बेस सेम पावर एड होके k प्लस 1 बनेगा, बात समझ रहे हो। तो जो यहां करोगे वो यहां पे भी करना पड़ेगा, तो 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पहले ही कर दिया था, पर आप बाद में करना। तो ये चीज आपकी आ गई, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस एक्स से, क्योंकि हमें क्या बनाना है 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1, आई मेरी बात समझ, ठीक है। सो अब 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 आ गया, अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ये हमारा आ गया, अब इसको मैंने सॉल्व करा 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, सॉल्व करो तो 1 से पूरा मल्टीप्लाई तो 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स से पूरा मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर, आई बात समझ। अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, इन दो टर्म्स को कंपेयर करो, कौन सी दो टर्म्स को, एक तो इसको जिसको हमें प्रूफ करना था दैट इज 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, और एक वो जो हम निकाल चुके हैं दैट इज 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर। अब एक बात खुद सोचो, अगर आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और ये खुद इससे बड़ा है, चेक करो ना 1 के एक्स एक्स में की और एक्स स्क्वायर भी हमने और ऐड कर दिया, तो मतलब ये चीज इससे भी बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये इससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ,
वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करा है हमने यहाँ पर, जो मैंने अभी समझाया था एग्जाम्पल टू में, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है। और देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो खुद है ये वाली टर्म इससे भी बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो आपका वन प्लस एक्स के प्लस वन इससे बड़ा हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। आई मेरी बात समझ? ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल सिक्स। ठीक है, डिविजिबल वाला सेम क्वेश्चन आ गया, सेम तरीके से करेंगे। के वाली के में हम वैल्यू पुट करके के प्लस वन में निकाल, के प्लस के से वैल्यू निकाल कर के प्लस वन में पुट करेंगे। स्टेप वन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू दिस एज इट इज। नाउ फॉर एन इज इक्वल टू वन, अगर हम एन को वन लेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें वन पुट करो तो टू इंटू सेवन की पावर वन प्लस थ्री इंटू फाइव की पावर वन माइनस फाइव, सेवन टू जो फोर्टीन प्लस फाइव जो फिफ्टीन माइनस फाइव ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फोर से डिविजिबल होगा ही, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू, के ऐसा मान रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में एन की जगह क्या लिख दोगे, के लिख दोगे। तो टू इंटू सेवन टू दी पावर के प्लस थ्री इंटू फाइव टू दी पावर के माइनस फाइव, ऐसा हमने मान लिया, इज डिविजिबल बाय 24। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। पहले निकालो तो कि पी के प्लस वन है क्या, एन की जगह क्या पुट कर दोगे, के प्लस वन। तो टू इंटू सेवन टू दी पावर के प्लस वन प्लस थ्री इंटू फाइव टू दी पावर के प्लस वन माइनस फाइव इज डिविजिबल बाय फोर, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। और ये चीज प्रूफ कैसे होगी, डिविजिबल बाय फोर मतलब दिस इज इक्वल टू 24 इनटू समथिंग, अगर हमने दिखा दिया तो ये हमारा 24 से क्या माना जाएगा, डिविजिबल माना जाएगा। कैसे निकालते हैं डिविजिबल मल्टीपल वाला क्वेश्चन, पीके को उठाओ, पीके की वैल्यू मैंने उठा ली। अब क्योंकि हमने मान लिया वही सेम चीज कि ये 24 से डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, दिस इज इक्वल टू 24 इनटू समथिंग, क्योंकि मान लिया डिविजिबल है। ठीक है, अब इसमें 2.7 टू द पावर के की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस है वहां जाके माइनस, तो 24 है माइनस 3.5 के, और 3 इंटू 5 टू द पावर के, और ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा आपका, ये वहां पर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 5 के। आगे मेरी बात समझ? ठीक है, अब 2 इंटू 7 टू द पावर के की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, p टू द पावर के प्लस 1 में पुट करोगे। तो ठीक है, p टू द पावर के प्लस 1 क्या था आपका, अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है चेक करो, 2 इंटू सेवन टू द पावर के प्लस 1 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकती, 2 इंटू सेवन टू द पावर के इंटू 7 बिल्कुल लिख सकती हूँ, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी यार। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है जो कि है ये, आई बात समझ? ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करा है, मैंने इसको ये आपका था ये आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू सेवन टू द पावर के प्लस 1 को 2 इंटू सेवन टू द पावर के इंटू 7, प्लस ये वाली चीज को भी मैंने ब्रेक कर लिया, 3 इंटू फाइव टू द पावर के इंटू 5 लिख लिया, यहां ब्रेक कर रहे हो तो यहां पे भी ब्रेक कर दो, आ रही है बात समझ, और माइनस 5 एज इट इज। अब यहां की वैल्यू आपको पता है तो आपने यहां पर पुट कर दी, दैट विच इज 24m माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 5 इंटू 7 प्लस ये और ये एज इट इज, 7 अंदर मल्टीप्लाई करा। मैंने इस बार सॉल्व नहीं करा क्योंकि ना मुझे 24 कॉमन लेना था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 7 इंटू 24m माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 7 थ्री जा 21, 21 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 7 फाइव जा 35 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करो, 5 इज 15 इंटू 5 टू द पावर के माइनस 5 एज इट इज, आई मेरी बात समझ? तो 7 एंड 24 एम एज इट इज। अब क्योंकि ये भी 5 टू द पावर के 5 टू द पावर के, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, साइन बढ़ेगा, तो माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर के, और ये 35 में से 5 गया क्या बचा 30। अब इन दोनों टर्म्स में 6 कॉमन आ रहा था तो निकाल लिया, 7 इंटू 24 एम माइनस 6 कॉमन लिया तो क्या बचा 5 के, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस बाहर है तो माइनस 5 बचेगा। गाइस ये माइनस का ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली उस स्टेप के बाद, 5 टू द पावर के माइनस 5 इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब आप सोचोगे कैसे, करके देखो, अगर आप 5 की पावर 2 ले रहे हो दैट इज 25, और 25 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हुआ 20, 24 से डिविजिबल है। अगर आप 5 की पावर 3 ले रहे हो क्या होता है, 5 वाज 25, 25 वाज 125, और 125 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे 120 इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी आप पावर ले लो, सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए मैंने 5 टू द पावर के माइनस 5 की जगह क्या लिख दिया 4 है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि 24 कॉमन लाना था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एज इट इज 6 4 24 m, अब इन दोनों में क्या आ रहा है 24 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 7m माइनस m, आ गया ना 24 इंटू समथिंग, समथिंग में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 24 इंटू तो आ गया, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 24। आ रही है मेरी बात समझ?
ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन एग्जाम्पल 7. वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी वाला है. अगेन हमें आता है कैसे करना है. सबसे स्टेप 1, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन एज इट इज लिख. स्टेप 2, फॉर एन इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म को लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू आर एच एस, तो 1 का क्यूब अपॉन 3. 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3, सही बात है, ये भी ट्रू. थर्ड स्टेप, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मतलब पूरे क्वेश्चन में एन की जगह क्या सब्सिट्यूट कर दिया, के, तो पीके की वैल्यू क्या हो गई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर ग्रेटर देन के क्यूब अपॉन 3. फोर्थ स्टेप, अब हमें प्रूव करना है दैट पीके प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो पहले निकाल तो लो कि पीके प्लस 1 है क्या. कैसे निकालेंगे, एन की जगह के प्लस 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के की जगह या एन की जगह के प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3. इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करते हैं, पीके को उठाते हैं और उसको के प्लस 1 बनाते हैं. तो पीके क्या था आपका, ये था, ये के स्क्वायर तक हो गया, मतलब आप इसको, अब आप इस चीज को उठाओ, ठीक है. जब आप पीके उठाओगे ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर, प्लस करना पड़ेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो जो यहां करोगे वो यहां भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, के क्यूब अपॉन 3 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर. आई बात समझ, ठीक है. वही चीज मैंने करी, के प्लस करा के प्लस 1 को, जो यहां करोगे वो यहां पे भी करोगे. अब इसको क्या लाना है आपको, ये चीज लानी है. कैसे लाएंगे वो देखेंगे सारे, ठीक है. इस चीज को सॉल्व करो, तो सबसे पहली चीज इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो 3, तो ये क्या हुआ, के का क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो के क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है. अब ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा आराम से, ये जो आपकी टर्म है ये इससे बड़ी है, जो हमें प्रूफ करना है उससे बड़ी है, ये जो हमने निकाला है ये उससे बड़ा है. तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी ये वाली साइड थी, दैट वाज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, तो वो इससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ, वही वाली चीज है यार. अगर मेरा 4 2 से बड़ा है और 4 मेरा 6 से बड़ा है, देखो 4 2 से बड़ा है मेरा और 4 मेरा 6 से बड़ा है, तो मैं क्या सीधा नहीं लिख सकती 4 मेरा 6 से बड़ा है, या सीधा लिख दो 4 मेरा 2 से बड़ा है. नहीं आ रहा समझ. अच्छा, इसी के टर्म्स में आपको ये चीज समझाती हूँ एक बार और, गाइस ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर एग्जाम्पल जो अभी आया मैं उसको लेट कर रही हूँ 6, ये आपका 6 से बड़ा, इस पूरे टर्म को मैंने 6 ले लिया, ठीक है. पर और जो आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि वो चीज आपकी 4 से बड़ी है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना था 4 से बड़ी है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये चीज 6 से बड़ी है, ठीक है. अब मुझे पता है 6 4 से बड़ा है, तो मैं क्या सीधा ये नहीं लिख सकती हूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरा 4 से बड़ा है. बात खत्म. 6 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो सीधा लिख दो 4 से बड़ा है, क्योंकि ये इससे बड़ा है. वही चीज तो करिए, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ग्रेटर प्रूफ कर दिया. अब ये चीज आपकी इससे बड़ी है, जब ये जो है आपका इससे बड़ा है, तो और ये इससे बड़ा है, तो ये इससे भी तो बड़ा होगा, ठीक है. तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया दिस इज योर आंसर. आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल इन विच वी हैव टू प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स. अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, तो पूरी इक्वेशन को आपने पी एन लेट कर लिया. सो फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, एन की जगह 1, तो ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1, बी की पावर 1, क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ट्रू. नाउ लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो पी के एन की जगह के, पूरे इक्वेशन होते ए बी के पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. कैसे प्रूव करोगे, पहले निकालो के प्लस 1 क्या आ रहा है, ए बी की पावर एन था, तो के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर एन था, तो क्या हो जाएगा, ये के प्लस 1 है ना, और बी की ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, इंटू आई इंटू बी की पावर के प्लस 1. अब आपको ये चीज ट्रू प्रूफ करनी है. कैसे करेंगे हम इसको टू प्रूफ, सेम पीके उठा लो. पीके आपका क्या था गाइस, ये रहा ना पीके, ए बी की पावर के इज इक्वल्स टू ए के और बी के. अब आपको क्या बनाना है, ए बी की पावर के प्लस 1, तभी बना पाओगे जब यहां पर एक और ए बी से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम तभी तो पावर एड होगी. यहां पे कर रहे हो तो यहां पे भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया अब आपका, ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू यहां पर भी ए की पावर के इंटू ए,
base same, power add, तो a की power k plus 1. Similarly, b की power k into b, b की power k plus 1. And this is your required answer. यही तो proof करना था. So with this, I have completed all these solved examples of PMI, and with this video, I've also completed with the chapter. In my next video, I'll be starting with PNC, that is permutation and combinations for all of you. So if you like my video, please do like, share, and subscribe. And thanks for watching.